सब्सक्राइब करें मंजीत एकेडमी चैनल को, प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, आपका मंजीत एकेडमी चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मंजीत यादव। फ्रेंड, इस वीडियो में हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख के आए हैं जो HSC ने बार बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे हैं। चलो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। हरियाणा का प्रथम राज्य कवि कौन है? हरियाणा का प्रथम राज्य कवि उदयभान हंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो, हरियाणा का प्रथम संघी किसे कहा जाता है? हरियाणा का प्रथम संघी किशन लाल भट्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा का सूर्य कवि किसे कहा जाता है? हरियाणा का सूर्य कवि लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार, हरियाणा का रुबई सम्राट किसे कहा जाता है? हरियाणा का रुबई सम्राट उदयभान हंस को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर पाँच, हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है? हरियाणा का तानसेन लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छः, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जाना? तो वो लीला राय बहादुर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सात, आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? जोबन सिलाल जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आठ, हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है? तो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नौ, हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो लक्ष्मी चंद जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दस, हरियाणा का सर्व सम्राट किसे कहा जाता है? तो पंडित जसराज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग्यारह, हरियाणा का सरस्वती पुत्र किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र खड़किया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बारह, हरियाणा का ताऊ के नाम से किसे जाना जाता है? तो देवीलाल जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तेरह, हरियाणा का सूर्य कवि किसे कहा जाता है? तो लक्ष्मी चंद जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौदह, हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? तो मूलचंद जैन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पंद्रह, किसानों का अफलातून किसे कहा जाता है? वो सूरजमल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सोलह, सूरजपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सत्रह, हरियाणा में कौन सी गाय की नस्लें पाई जाती है? तो वह साहिवाल हरियाल नस्लें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अठारह, हरियाणा में आंवले का उत्पादन किस जिले में होता है? हरियाणा में आंवले का उत्पादन सिरसा जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर उन्नीस, इसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर कहा जाता है? तो लोहारो उत्थान योजना को वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इक्कीस, हरवानी जगत के नायक जगत जाखड़ किस जिले से हैं? तो हैं हिसार जिले से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बाबू मुरलीधर ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो 1885 कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। नेक्स्ट 23, छिछरौली में विद्रोह कब हुआ? छिछरौली में विद्रोह 1809 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, रानिया का विद्रोह कब हुआ? तो वह 1818 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो यह 2002 में मानेसर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, यादवेंद्र गार्डन की स्थापना कब हुई? तो यादवेंद्र गार्डन की स्थापना 1967 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, देश में फसल बीमा योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? तो यह हरियाणा राज्य ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विश्व स्तरीय हर्बल वन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो है मोरनी की पहाड़ियों में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई? तो यह 8 मार्च 2015 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? अटल पेंशन की योजना की शुरुआत 8 मई 2015 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कुरुक्षेत्र पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? तो कुरुक्षेत्र पुस्तकालय की स्थापना 1921 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना किसने की? तो यह सेठ साजूराम ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, चौधरी वीरेंद्र सिंह नारायण के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? यह जींद क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सिरसा जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। नेक्स्ट, ऑपरेशन मुस्कान कब आरंभ किया? ऑपरेशन मुस्कान 1 जुलाई 2015 को आरंभ किया। नेक्स्ट नंबर 36, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू की गई? यह 8 मई 2015 को शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब की गई? तो यह शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरुआत कब की गई? यह 22 जनवरी 2015 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? तो यह 1 नवंबर 2014 को शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सांसद ग्राम योजना कब शुरू की गई? तो यह 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 41, रोटी का मूड जाना किस बात का सूचक है? तो ये मेहमान के आने का संदेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह पानीपत जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, छुडाली धाम का संबंध किस जिले से है? तो यह झज्जर जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हरियाणा में महिला पुलिस थानों की स्थापना कब हुई? तो यह 29 अगस्त 2015 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हरियाणा की पहली महिला पायलट कौन थी? तो हरियाणा की पहली महिला पायलट शेफाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, गुजरी महल कहाँ पर है? तो गुजरी महल हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, किस नगर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो थानेसर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? तो ये BN चक्रवर्ती का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, बाबू परमानंद हरियाणा के किस पद पर आसीन रहे? तो ये राज्यपाल के पद पर आसीन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, पांडु पिंडारा पवित्र स्थल कहाँ पर है? तो ये जींद जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणा में कितनी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो 17 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की? तो हिसार शहर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, संस्कृत ग्रंथ श्री भगत फूल सिंह चरितम के लेखक कौन है? तो है पंडित विद्यानिधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, ईख की खेती प्रश्न के लेखक कौन है? तो वह हैं राजा राम शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह जय नारायण कौशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, सुप्रसिद्ध नाटक कोर्स मार्शल के लेखक कौन है? तो वह स्वदेश दीपक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, शर्तार्थी प्रकाश के लेखक कौन है? तो हैं स्वामी दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, मोरनी की पहाड़ी को उच्चतम बिंदु को क्या नाम है? तो उसका नाम है करहो चोटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, मोरनी की पहाड़ी किस जिले में है? तो मोरनी की पहाड़ी पंचकुला जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, माझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो यह कैथल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, हरियाणा में कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा है? तो गुरुद्वारा नीम साहिब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निर्माता निर्देशक सुभाष घई का संबंध किस जिले से है? तो है रोहतक जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, गायक सोनू निगम का जन्म किस जिले से है? तो यह फरीदाबाद जिले से है। नेक्स्ट कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी करनाल जिले में है। तो फ्रेंड, ये कुछ हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम आपके लिए लेके आए थे। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, थैंक यू।